नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। बहरोड में इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था, यहां पे सुरक्षा की बैरिकेड लगा रखे हैं सामने, और एक तरफ का रास्ता खोल रखा है उन्होंने यातायात के लिए। लेकिन एक तरफ का रास्ता खोले होने के कारण ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, आवागमन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पुलिस की सारी व्यवस्थाएँ दोनों तरफ आप देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि इधर भी दिखाएं कि किस तरह से बैरिकेड के अंदर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। इधर पंचायत समिति के गेट बिल्कुल बंद पड़े हैं और यहाँ पे पुलिस कर्मी भी बैठे हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी तक प्रधान पद के लिए 3 पर्चे दाखिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गीता देवी, जो राजू सेठ की धर्मपत्नी है, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, और कांग्रेस की तरफ से सुनील, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, और बस्तीराम यादव की धर्मपत्नी सरोज यादव ने यहाँ से निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल किया है। बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रीना यादव जो जीत के आई हैं वार्ड नंबर 19 से, उन्होंने फार्म नहीं भरा है। अजीत ठेकेदार की क्या राजनीति होगी और किस तरफ ये उनके वोट जाएंगे, आने वाला समय बताएगा। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि अजीत ठेकेदार ने आखिर फॉर्म भरा तो क्यों नहीं भरा। शेरपुर से बस्तीराम यादव, जिनको टिकट नहीं मिला था, उनकी धर्मपत्नी को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और वो विजयी होकर आए थे। 3 पर्चे दाखिल किए गए हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, और अब लोगों में अगर उत्सुकता है तो सिर्फ ये है कि चुनाव, प्रधान का जो चुनाव होने वाला है, आखिर बहरोड का प्रधान कौन बनेगा। देखते रहें राज 24। नमस्कार।